अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ ना पनीर भुर्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। लाजमी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। पनीर भुर्जी है तो ये सबको पसंद आती है, बच्चों के लंच में आप इसको दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे चॉप गार्लिक यानी लहसुन लिया है। उसको मैंने यहाँ पे सॉटे करेंगे तब तक जब तक इसका जो रॉ फ्लेवर है, कच्चापन इसका ख़त्म ना हो जाए। फिर उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन लिए हैं मैंने, प्याज, उसको चॉप करके यहाँ पर सॉटे करेंगे 3 से 4 मिनट तक। फिर उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई हरी शिमला मिर्च, उसको भी हम इसको पकाएंगे। थोड़ी देर को पकाने के बाद मैंने यहाँ पे चुटकी भर के आसपास नमक डाला है, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ हमारी जल्दी पक जाएं। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर उसका इस्तेमाल किया है और इसको हम बनाएंगे पाव भाजी मसाले के साथ। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला इस्तेमाल किया था। आप इसको ना ज़रूर ट्राई करिएगा। पाव भाजी मसाला डालने से ना इसका जो फ्लेवर है एकदम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो हमारी पनीर भुर्जी बनती है ना, बिल्कुल वैसा ही आएगा। अच्छे तरीके से आप सारी सब्जियों को मिला दें और थोड़ी देर के लिए ना आप इसको पकने रख दें। तो यहाँ पर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के आसपास। आफ्टर 5 to 6 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं हल्की सी मशी हो गई हैं, और अगर नहीं गली है ना तो आप थोड़ी देर के लिए और इसको पका के रख सकते हैं। और तकरीबन मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के आसपास पनीर यानी कॉटेज चीज़ लिया था। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। हल्के से मैंने क्यूब्स में इसको कट किया था हमारे पनीर को। उसको हम मैश कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि जो पनीर का अपना फ्लेवर है वो भी हमारी भुर्जी में आ जाए। अगले 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ अपने टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो केचप भी ले सकते हैं, इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, खाने में भी आपको थोड़ा सा न्यू फ्लेवर लगेगा। और एक चीज़ मैंने स्लाइस ली है, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। और चीज़ और टमाटो केचप और टमाटो सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर आप डालें, इसको इसी तरीके से बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच में, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो सफ़र के दौरान आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं लेस ऑयल में। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश किया है। आप इसे पाव के साथ, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी मेरी ये पनीर की भुर्जी। लाजमी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाज़िर होती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।